चाहिए करना, तो वो अपनी यूनिफॉर्म की परवाह किए बगैर कीचड़ में ही नीचे लेट गए थे। हमारी गाड़ी के नीचे जाके उन्होंने हमारी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की। हमारी आर्मी और हमारी पुलिस जितनी बदनाम है ना इस मुल्क में, काश कोई निकल के देखे कि वो हकीकत है क्या। क्योंकि आज हम लोग इस चीज से गुजरे हैं ना। तो आज हम अपने गांव जा रहे हैं, तो हम आपको भी अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और आपको अपना सफर दिखाएंगे। हम लोग आपको अपने वीडियो में शामिल की तरफ सफर करने जा रहे हैं और हमने ईद अपने गांव में करनी है, तो गाइस हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ईद मनाने आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आज आपको अपने गांव जाने के रास्ते में शामिल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नियाजी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं सब? हम लोग मियाँ वली के लिए जा रहे थे तो अचानक से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। हमारी गाड़ी वहाँ पे जाके ख़राब हुई जहाँ के हम लोग घर वापस आ सकते थे, और आगे जाने के लिए तो आपको पता है कि फिर 4 घंटे का सफ़र था। तो हमारी गाड़ी जो ख़राब हुई थी वो कैंट के बिल्कुल साथ में हुई थी ख़राब। ये जिस जगह पे अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है इसके बिल्कुल बैक साइड पे हम मियाँ वाली जाना हमारी किस्मत में लिखा। 2 घंटे वहाँ पे से निकले हमारी गाड़ी बंद ही हुई जा रही है, हालांकि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने ठीक करवाई, सारा कुछ करवाया, तो उसको आने में टाइम लगा था। तो जब 2 घंटे गुजरे तो हमें सिक्योरिटी देने के लिए निकले हैं हमारे तो फौजी भाई आए थे। जी गाड़ी ने कहा मैंने आगे नहीं जाना है ना, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये कि जब आप घर से निकलते हो और अनसिक्योर फील करते हो, हालांकि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी की बिल्कुल भी हम काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन ना तो वापस घर जा सकते हैं और आगे जाने के लिए तो हमने 6 घंटे हैं अभी। हेल्प करने के लिए वो लोग आए, ना सिर्फ आए बल्कि अपने मैकेनिक को भी लेके आए, जो उन्होंने हमारी गाड़ी को चेक किया, हमारी गाड़ी को चेक किया और पूरे 2 घंटे तक वो हमारे साथ खड़े रहे। 2 घंटे तो पहले हम लोग 8 बजे घर से निकले थे, तकरीबन 12 बजे जाके हमारी गाड़ी ठीक कर रहे हो, 12 बजे तक वो लोग हमारे साथ रहे थे जब तक हमारी गाड़ी ठीक नहीं हो गई थी। तो जब हम लोग वहाँ से निकले, हो सकता है मेरी ये वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि हमारा ये सफ़र जो था बहुत ही बुरा गुजरा था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि लाहौर से मियांवाली का जो सफ़र है वो सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे का है अगर हम अपनी गाड़ी से जाएं तो, और इस बार हमने 20 घंटे में तय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी ठीक हो गई है और अब हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल पड़े, और हम लोग 8 बजे घर से निकलेंगे। और अगर अब मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो ये देखें, ये देखिए 12:15 हो गया और 12:15 बजे अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो दुआ कीजिएगा कि हम लोग खैरियत से अपने सफ़र को कंप्लीट करें और खैरियत से घर पहुँच जाएँ। सारे अड्डे जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जैसे पहले सवारियाँ होती थी ना, अब वैसे बिल्कुल भी नहीं है ये देखें। वरना इस मौसम में लोगों का इतना ज़्यादा रश होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आज 29वें रोज़े की रात है और देखें, आपको देखें, महंगाई ने हर किसी का घर जाना भी मुश्किल कर दिया है। रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारी गाड़ी को पत्थर में रखते हैं, इतनी तेज बारिश थी। यहाँ पे तो फिर भी कम है लेकिन आगे जाके और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, और रोड नज़र ही नहीं आ रहा था कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे जंप है, इस तरह पानी था कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसी वजह से जो पानी था वो हमारी गाड़ी में चला गया था, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। और मैं सल्यूट पेश करना चाहूँगी पाक आर्मी को और अपनी जो हमारी हाईवे पुलिस है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए रोड पे इतनी रात को इतनी बारिश में खेती होती है और हमारी एक कॉल पे वो लोग भागे आए हमारे पास। तो सल्यूट मैं पेश करती हूँ इन लोगों को और इनकी ड्यूटीज़ को। और आज हमें एहसास हुआ था कि पाकिस्तान में अगर हम लोग किसी भी टाइम घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग महफूज हैं। हमारा तहफ़ करने के लिए हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारे साथ हैं।
ये बात नहीं है। हाँ कुछ वाक़यात होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि आप मतलब जब आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो वो आपको रिस्पांस वो नहीं दे पाते। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कितनी तेज़ बारिश थी, उसके बावजूद हम लोग एक कॉल की हम लोगों ने और एक कॉल पे ही फौरन से हमारे पास हमारी हिफाजत के लिए हमारी पुलिस जो है वो पहुँच गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपने कपड़ों की परवाह किए बिना, अपने यूनिफॉर्म की परवाह किए बिना नीचे कीचड़ में वो हमारे जो पुलिस वाले भाई थे वो लेट गए थे। हालांकि सरफराज उन्हें कहते रहे थे सर आपकी यूनिफॉर्म जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ मेरी ड्यूटी से पहले है। जब हम सियाल मोड़ उतरे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो हम लोग सियाल मोड़ से लेके तकरीबन सरगोधा तक 40 किलोमीटर का फासला है और हम लोगों ने 3 घंटे में तय किया था। उसके बाद हम 5 बजे जब सरगोधा पहुँचे थे तो ये सरगोधा का टोयोटा वालों का शोरूम है, बहुत ही बड़ा शोरूम है। और हम लोग कल रात 8 बजे से घर से निकले हुए हैं, जो सफ़र हमारा सिर्फ 5 घंटे का था। अभी मैं अगर आपको टाइम दिखाऊँ तो 1:11 हो रहे हैं अगले दिन के। हाँ जी, हम लोग कल 8 बजे के घर से निकले हुए, जब लाहौर से हम निकले थे तकरीबन हमने आधा घंटा सफ़र किया था, उसके बाद हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, तो 3 घंटे मुसलसल हम लोग लाहौर में खड़े रहे थे। घर से भी दूर थे, घर भी वापस नहीं जा सकते थे, तो 3 घंटे वहाँ पे खड़े रहने के बाद जब हमारी गाड़ी ठीक हुई हम लोग चले। तकरीबन 12:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे लाहौर से। उसके बाद जैसे ही हमने मोटरवे क्रॉस की सियाल मोड़ जैसे ही हम लोग उतरे हमारी गाड़ी फिर से बंद हो गई। बारिश बहुत तेज़ थी, बिजली इतनी ज़्यादा चमक रही थी और बारिश की कोई हद नहीं थी, बहुत ही तेज़ बारिश थी। मैंने बीच में क्लिप थोड़े से शूट किए हैं लेकिन रात होने की वजह से शायद सही से ना हुए हो। उसके बाद तकरीबन 1 बजे जब हम सियाल मोड़ उतरे हैं ठीक 1 घंटे के बाद, मतलब 12:30 हम वहाँ से निकले थे, तो 12:52 पे हम लोग मोटरवे पे खड़े थे, 1:52 पे हम लोग मोटरवे से उतरे थे। सियाल मोड़ उतर के जब हम 2 से 3 किलोमीटर आगे आए हमारी गाड़ी फिर से पानी की वजह से बंद हो गई, उसके अंदर पानी चला गया था। तो हमने 1124 पे कॉल की, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही कॉल पे हमें रिस्पांस मिला और हमारे जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद जारी बात है वो मैकेनिक तो नहीं थे लेकिन हमें पूरी सिक्योरिटी दी, क्योंकि वो जगह बहुत ही वीरानी थी, ना तो वहाँ पे कोई आबादी थी और ना ही कुछ और। इवन के हमने मैकेनिक को जब कॉल पे लिया ना तो वो उन जो हमारे पुलिस वाले भाई थे उनको बताता रहा ये करना, तो वो अपनी यूनिफॉर्म की परवाह किए बगैर कीचड़ में ही नीचे लेट गए थे, हमारी गाड़ी के नीचे जाके उन्होंने हमारी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की। हमारी आर्मी और हमारी पुलिस जितनी बदनाम है ना इस मुल्क में, काश कोई निकल के देखे कि वो हकीकत है क्या, क्योंकि आज हम लोग इस चीज़ से गुजरे हैं ना। तो हमने देखा है कि हमारी आर्मी कितनी हिफाजत करती है हमारी, क्योंकि जब हम लाहौर में खड़े थे ना तो लाहौर में हमारा हम लोग फौजी जो यूनिट है ना उसके साथ ही थे, तो कैमरों में उन्होंने देख लिया था कि 2 घंटे से हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। उसके बाद वो आए, उन्हें ना सिर्फ आए बल्कि हमें सिक्योरिटी भी दी और हमारी हेल्प भी की। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले आगे सियाल मोड़ आए, सियाल मोड़ आके फिर हमारी गाड़ी बंद हो गई, फिर हमने ट्रैफिक पुलिस को कॉल की तो वो भी फौरन आए। फिर हमारी गाड़ी सही तो नहीं हुई थी लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को लेके आए थे सरगोधा, तकरीबन जो 40 मिनट का रास्ता है। हम लोगों ने वो 5 घंटे में तय किया।
उसके बाद सुबह 5 बजे जब हम सरगोधा पहुँचे तो टोयोटा वालों का, क्योंकि हम लोग लोकल किसी मैकेनिक को नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि जब हम लाहौर से निकले थे तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी मुकम्मल चेक करवा के ही निकले थे, इसलिए हमें एतबार भी नहीं था किसी लोकल पे। तो हम लोग टोयोटा वालों के जब आए तो उन्होंने कहा कि 9 बजे स्टाफ आता है, 9 बजे से पहले नहीं आता। तो 5 बजे से लेके 9 बजे तक फिर हम सरगोधा में ही खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टाफ आया वो स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था। आपको पता है टोयोटा कंपनी है, एक नाम है उसका, तो उनकी मुसलसल कोशिशों के बाद तकरीबन 3 घंटे के बाद, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, सब कुछ सही था गाड़ी में, जब गाड़ी वो चलाते थे बिल्कुल ठीक होती थी, जब हम लोग निकलने के लिए गाड़ी को निकालते थे तो गाड़ी बंद हो जाती थी, जब वो चेक करते थे दोबारा सब कुछ सही होता था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर अभी तकरीबन हम लोग 12:23 पे हम लोग वहां से निकले सरगोधा से, और अभी हम लोग रास्ते में, दुआ कीजिएगा कि आगे भी हमारा सफर जो है अच्छा गुजरे। जिंदगी में पहला सफर है ये हमारा ऐसा। क्योंकि हमने रोजा भी सिर्फ पानी पिया था रोजा रखने के लिए सहरी का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोजा नहीं छोड़ा, रोजा भी रखा है। और अभी देखते हैं, थकावट की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी आवाज बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और बच्चों की हालत भी बहुत बुरी है, और सरफराज देखे इनको भी चक्कर आ रहे हैं। बस दुआ कीजिए कि हम लोग खैर खैर अच्छे घर पहुंच गए। खुशाब में एंटर होने लगे और माशाल्लाह यहाँ का व्यू चेक करें, सामने पहाड़ और हम लोग इस वक्त जहलम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह पहाड़ जो है यहाँ पे कितने हसीन लग रहे हैं, और ऊपर से बादल भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 घंटे में हम लोग खुशाब पहुंच चुके हैं सरगोधा से, 12:23 में हम लोग निकले थे और अभी तकरीबन 1:15 हो रहा है, तो हम लोग खुशाब एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी आपके साथ अपना सफर शेयर करते होंगे कि आज का हमारा सफर जो है वो कैसा गुजरा। जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं ना, हालांकि हमारा इलाका पहाड़ी नहीं है और ये सूंस केसर की पहाड़ियाँ हैं जो के मियाँ वाली करीब आता जाएगा और ये बहुत दूर चली जाएंगे। और ऊपर बादल देखें, बादल फिर से बने हुए हैं।